गर्मियों की छुट्टियां लंबी हो सकती है और अगर आप रोजाना एक ही एक काम बार बार करते हो तो आप बोर हो जाते हो। हालांकि गर्मियों की छुट्टियां मजेदार और रोमांचक हो सकती है अगर आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें तो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसी 21 प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो आप इस हॉलीडेज में कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। छुट्टी की शुरुआत में ही एक टाइम टेबल बना के रख सकते हो। अगर आपके पास कोई सेट सेमेस्टर गोल है तो उस हिसाब से भी आप टाइम टेबल बना सकते हो। उस टाइम टेबल में आप छुट्टियों में कब होमवर्क करोगे, कितना टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पास करोगे, कितना टाइम स्टडीज के लिए दोगे, वो सारा कुछ आप मैनेज करके रख सकते हो। छुट्टियों में आप अपनी अलग अलग स्किल पर काम कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कुकिंग, ड्राइंग, सेल्फ डिफेंस, नेगोशिएशन, लिसनिंग पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, उस तरह की कई सारी स्किल पर आप ध्यान दे सकते हो। वॉच ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो, टेडेड, यूट्यूब, अमेजोन और स्कूल वर्ल्ड जैसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको एजुकेशनल वीडियो आराम से मिल जाएंगे। आपको मेरी चैनल पर भी ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे। छुट्टियों में आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल सकते हो, जैसे कि आप गार्डनिंग करना चाहते हो तो गार्डनिंग कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, डांस कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, स्टार गेजिंग करना आपको पसंद है तो वो भी कर सकते हो। इस तरीके की कोई भी हॉबीज है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लर्न अबाउट कंट्री एंड देयर प्लेसेस विद कल्चर। आप किसी प्लेस, किसी सिटी के बारे में जान सकते हो, किसी कंट्री के बारे में जान सकते हो, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब हॉलीडे प्लान करो तो आपको उस सिटी या प्लेस या कंट्री के बारे में पता हो। छुट्टियों में आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं और यूट्यूब पर भी ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो। मैंने एक साइन लैंग्वेज पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्कूल की छुट्टियों में या तो फिर अपने फ्री टाइम पे आप कुछ अच्छा काम करके अच्छा समय बिता सकते हो। ऐसा कोई भी कारण जिसकी आप परवाह करते हो उसका आप समर्थन कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो और उसके बाद उस पर काम कर सकते हो। जैसे कि आप पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हो, सेव एनिमल की मुहिम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, गरीबों की हेल्प करना चाहते हो, ऐसे कोई भी टॉपिक पर आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो या तो फिर काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके पास छुट्टियों में काफी समय होता है तो आप उस समय का उपयोग कर अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अच्छी नींद ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो और अच्छा सा हेल्दी सा खाना खा सकते हो। छुट्टियों में आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो। कोर्सेरा और उडेमी में आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसी के साथ साथ कैरियर के लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस साल छुट्टियों में अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। छुट्टियों में आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो, स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, स्कूल से रिलेटेड कोई बुक हो तो भी पढ़ सकते हो। आपको ऐसी ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है डीकल्टर। उन किताबों और नोटों को छोड़ दें जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है और फाइलें जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा अपने डेस्क साफ करें और व्यवस्थित करें, अपना कबर्ड साफ करें। इस तरह आप अपने आप को एक आगामी सेमेस्टर के लिए सेट कर लेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज योर स्पीड। आप अपनी रीडिंग की, राइटिंग की, कंप्यूटर टाइपिंग की और अपने वर्क की स्पीड को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है साइंस एक्सपेरिमेंट्स। आप घर पे ही कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर की चीज़ों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गैजेट्स बना सकते हो या फिर कुछ इन्वेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट। आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं उस बारे में पढ़े, टिप्स एंड ट्रिक्स जाने, आर्टिकल्स पढ़े, जैसे कि आप पे अटेंशन कैसे कर सकते हो, अपने गोल को कैसे अचीव कर सकती हो और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट सक्सेस की स्टोरीज, आर्टिकल्स और आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्लान इंडोर पिकनिक। घर में आप पिकनिक जैसा प्लान कर सकते हो, घर में पिकनिक का माहौल क्रिएट कर सकते हो, परिवार के साथ, मित्रों के साथ खाना खा सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर सकते हो पिकनिक में वो कर सकते हो। अब बारी है आर्ट एंड क्राफ्ट की। घर पर आप पहले से बर्थडे के लिए कार्ड बना के रख सकते हो, DIY प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, खुद की बोर्ड गेम्स बना सकते हो, फैमिली स्क्रैप बुक बना सकते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट बना सकते हो और अलग अलग टाइप की ड्राइंग भी कर सकते हो। ऐसे कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, परिवार के इतिहास के बारे में जानें, परिवार और दोस्तों की पसंद और नापसंद के बारे में जानें, परिवार और दोस्तों के साथ खेल खेलें, घर के हाउस कोर्स में मदद कीजिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दे सकते हो, कोई भी भाषा में आप शब्दकोश को इकट्ठा करके रख सकते हो ताकि वो आपको नेक्स्ट टाइम काम में आए।
नेक्स्ट इज डेवलप हेल्थी हैबिट्स। छुट्टियों में आप अपनी आदतें विकसित कर सकते हो, जैसे कि डेली चीज़ों पर ध्यान दें, जल्दी उठने की आदत डालो, समय पर सोने की आदत डालो, अच्छे से पानी पियो और अच्छे से खाना खाओ। नेक्स्ट है स्टार्ट कैलीग्राफी। आप छुट्टियों में कैलीग्राफी को सीख सकते हो और अगर आप पहले से ही कैलीग्राफी जानते हो तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हॉलीडेज को और भी मज़ेदार और रोमांचक बना दे। सो फ्रेंड्स, हैप्पी हॉलीडेज एंड बाय बाय।